दोस्तों हेडफोन विथ माइक का हम रिव्यू बताएंगे इस वीडियो में। 15 दिन हमने यूज किया है, उसके बाद फाइनली आपको रिजल्ट बताएंगे कैसा रहा। साथ ही आप लोगों को अनबॉक्स करके भी बताएंगे किस तरह से ये हमें मिला था। अमेजोन से हमने ऑर्डर किया था, जो कि इस तरह का हमें आप लोग देख सकते हैं ये शिपिंग किया गया था, बॉक्स मिला था। चलिए इस हम प्रोडक्ट को ओपन करते हैं। इस तरह से ये ओपन करने के बाद आप लोग देखेंगे हमें इस तरह का ये हेडफोन विथ माइक का आप लोग देख सकते हैं, HP का हेडफोन विथ माइक्रोफोन आप लोग देख सकते हैं। इसे हमने ऑर्डर किया था, जो कि फाइनली हमें मिल चुका है। चलिए इसका हम रिव्यू बताएंगे आपको इस वीडियो में, और 15 दिन इसका हमने यूज किया है, तब जाके हम आपको फाइनली इसका रिव्यू बताएंगे ये कैसा रहा, आपको इसे परचेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और साथ ही इसमें वॉइस क्वालिटी क्या है, नॉइस कैंसिलेशन क्या होती है। साथ ही ये आप लोगों के लिए परफेक्ट है, अगर आप गेमर हैं, पबजी वगैरह खेलते हैं तो आप लोग इसे परचेस करें अथवा ना करें, और ये PC पर कैसे काम करता है, सभी तरह का रिव्यू आपको फाइनली फुल डिटेल्स के साथ इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिएगा इस तरह से ये आता है। इसके बाद में चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप लोग देखिएगा इस तरह का ये हेडफोन है, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये माइक है। माइक की क्वालिटी बिल्कुल ठीक है हमारे हिसाब से, तो हमने टेस्ट किया है इसका 15 दिन इसका यूज किया है, उसके बाद में हम इसका आपको रिव्यू बता रहे हैं। फाइनली यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसकी क्वालिटी काफ़ी ठीक है, जो कि प्राइस के अनुसार, और मैं आपको प्राइस भी बताऊंगा, इसका लिंक भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप लोग इसे बाय कर सकते हैं। साथ ही आप लोग देख सकते हैं एडजस्टेबल माइक है, जो कि आप लोग इसे 120 डिग्री पर रोटेट करा सकते हैं, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये माइक है। माइक का कवर मैं हटा के आपको दिखा देता हूँ, इस तरह के ये माइक है। साथ में देख सकते हैं वायर, जो कि 2 मीटर के लगभग है, और 3.5 mm का जैक है, जो कि आप डायरेक्ट मोबाइल में जहां पर आप लोग हेडफोन लगाते हैं वहीं पर आप लोग इसे लगा सकते हैं, और ये वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा हेडफोन, जो कि आप लोग देख सकते हैं HP का है। साथ ही इसमें नॉइज कैंसिलेशन भी होती है, बहुत से जो हेडफोन होते हैं उसमें नॉइज कैंसिलेशन नहीं होती है, लेकिन इस हेडफोन में नॉइज कैंसिलेशन है, जो कि मैं आपको बिल्कुल रियल बता रहा हूँ, क्योंकि 15 दिन मैंने इसका यूज किया है, और इसकी जो क्वालिटी है साउंड की वो ठीक ही है, ज़्यादा उसमें बेस तो नहीं है, लेकिन आप प्राइस के अनुसार देखेंगे तो ये बिल्कुल ठीक ठाक है। आप लोग इसे हेड में लगाएंगे तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है और लाइट वेट है, तो आप लोग इसे अगर परचेस करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां पर क्लिक करके इसे बाय कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने 15 दिन इसका यूज किया है PC पर और साथ में मोबाइल पर, मुझे एक काफ़ी कंफर्टेबल, लाइट वेट और यूजफुल लगा, और चीप प्राइस में आप लोगों को ये मिल रहा है, लगभग ये 650-700 के बीच में आपको मिल जाएगा, जो कि अमेजोन पर अवेलेबल रहता है। प्राइस कम ज़्यादा कभी कभी हो जाता है, तो आप अपने हिसाब से जब प्राइस इसका कम मिले उस टाइम आप परचेस कर सकते हैं। लगभग इसका जो कीमत है वो 600 रुपये के आसपास होता है। फिलहाल मैंने 650 रुपये में इसे परचेस किया है, तो आप लोग भी अगर परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 650 रुपये के हिसाब से परफेक्ट है और काफ़ी यूजफुल है और बहुत ही अच्छा है। HP का इसमें ब्रांडिंग है, साथ ही इसकी वॉइस क्वालिटी और नॉइस कैंसिलेशन बहुत ही क्लियर है। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मन में कोई भी डाउट है वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।